Hey friends, welcome to my channel, Dil Se Dil Ki Baatein. Hope you are making great memories with your loved ones. तो दोस्तों, इस बार का टॉपिक शुरू करने से पहले आप सभी से एक बात पूछती हूँ. आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है ना? अगर नहीं किया तो इस वीडियो को देखने के बाद जरूर कर ले, और अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, जिससे कि जब भी मेरी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल सके. मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस करें. और अब आते हैं आज के टॉपिक पर, हाउ टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ. वेल, व्हाट इज सक्सेस टू यू? कुछ लोगों के लिए वेल्थ है, कुछ के लिए पावर, और कुछ लोगों के लिए दुनिया पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने का एक जरिया. सक्सेस चाहे कुछ भी हो, चाहे कितना भी मायने रखती हो आपके लिए, हम सभी जानते हैं ये आसानी से नहीं मिलती, बहुत मेहनत करनी पड़ती है बॉस इसके लिए. तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना कर सीधा मुद्दे की बात पर आती हूँ. मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ सक्सेस के 5 मूल मंत्र, जो कहीं ना कहीं आपको जिंदगी में सफल होने में जरूर हेल्प करेंगे. एंड नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज, कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. बैठे हैं चादर ओढ़ के और देख रहे हैं मुंगेरी लाल के सपने. वो कहते हैं ना, जब किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश करती है. लेकिन सिर्फ चाहने से ही तो काम नहीं बनता ना देव बाबू, थोड़ी मेहनत भी तो करनी पड़ती है. यूं ही नहीं कहा था 3 इडियट्स के रैंचो ने, काबिल बनो बेटा, कामयाबी झकमार के आएगी. तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलो बेटा, थोड़ी मेहनत करो बेटा, सफलता झकमार के कदम चूमेगी. Now the second point is, think big. Problem इस बात में नहीं कि हमने कुछ बड़ा aim किया और उसे achieve नहीं कर पाए. Problem इस बात में है कि कुछ छोटा aim किया, उसे achieve कर लिया और खुद को रोक लिया. जब हम कुछ बड़ा aim करते हैं तो हम लगातार आगे बढ़ते जाते हैं, नए नए experiences gain करते जाते हैं. हमारी growth कब है? जब हम कुछ नया सीख रहे हैं, जब हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, जब हम खुद को boundaries में नहीं बांध रहे हैं. आप लोगों ने नाम तो सुना होगा इटालियन स्कल्पचर मिकेलांजेलो का, हु वाज अ ग्रेट आर्किटेक्ट एंड पेंटर टू. उनकी कला के कद्रदान तो पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हैं. स्टैचू ऑफ डेविड एंड म्यूरल इन सिस्टीन चैपल इन द वेटिकन, द मोस्ट अमेजिंग आर्टवर्क बाय हिम. आप जरा इमेजिन कीजिए, अगर उन्होंने अपनी इस एम्बिशन को गिव अप कर दिया होता और कुछ इजी, कुछ छोटा काम लाइफ में ले लिया होता, तो क्या उनके इतने कद्रदान होते? क्या उनका इतना नाम होता? क्या हम इतनी खूबसूरत कला को देख सकते थे? अगर दिल्ली का आया लड़का शाहरुख खान कुछ अलग नहीं सोचता, कुछ बड़ा नहीं सोचता, तो मुंबई में आकर बॉलीवुड नगरी का किंग खान बन सकता था. तो ऑलवेज थिंक बिग और जरा हटके. नाउ द थर्ड पॉइंट इज, फाइंड व्हाट यू लव टू डू एंड डू इट. जिस काम को एंजॉय नहीं करते, डोंट डू. सारी जिंदगी वो काम करते रहे जिससे नफरत करते हो, तो ऐसा काम करने से भी क्या फायदा ना. मुझे फिर से याद आ गई 3 इडियट और उसका वो कैरेक्टर फरहान कुरैशी, जो इंजीनियरिंग को छोड़कर अपना पैशन फोटोग्राफी अपनाता है और जिंदगी को भरपूर जीता है. अपने पैशन को ढूंढो, ये आपकी जिंदगी है, योर ओन सिंगल लाइफ. जो काम आपको खुशी दे वो काम करो. आपको पता है कितने ही म्यूजिशियंस सालों साल परफॉर्मेंसेस देते रहते हैं बिना पैसे कमाए. व्हाई? बिकॉज दे लव टू परफॉर्म. एंड फाइनली उन्हें पैसा भी मिलता है, शोहरत भी और सफलता. व्हाट माय पॉइंट? एंड नाउ द फोर्थ पॉइंट इज, डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ फेलियर्स. फेलियर सफलता की पहली सीढ़ी. देयर इज अ स्टोरी, आई डोंट नो कितनी सच है कितनी झूठ, बट इट गिव्स अ ब्यूटीफुल मैसेज. थॉमस एडिसन, जिन्होंने लाइट बल्ब का इन्वेंशन किया था, आपको पता है इस इन्वेंशन से पहले उन्होंने 100 फेलियर अटेम्प्ट्स किए थे. उसके बाद कहीं जाकर वो लाइट बल्ब का इन्वेंशन कर पाए थे. तो तभी उनसे किसी ने इंटरव्यू में पूछा कि आपको कैसा फील होता है 100 फेलियर अटेम्प्ट के बाद.
तो उन्होंने कहा था कि आई डिड नॉट फेल, इन फैक्ट आई लर्नड हंड्रेड्स ऑफ वेज नॉट टू इन्वेंट लाइफ पर. उन्होंने अपने हर फेलियर अटेम्प्ट से एक लेसन लिया और उस लेसन से ये सीखा क्या आगे काम करेगा और क्या नहीं करेगा. आपका हर फेलियर अटेम्प्ट, आपका हर रिजेक्शन एक की स्टेप है टुवर्ड्स द वे ऑफ योर सक्सेस. आपका हर फेलियर अटेम्प्ट एक एक्सपीरियंस है जो आपकी सफलता का द्वार खोलता है. एंड नाउ द लास्ट पॉइंट, बिलीव इन योर कैपेसिटी टू सक्सीड. इफ यू कैन ड्रीम इट, यू कैन अचीव इट. हो सकता है एट सम पॉइंट्स ऑफ योर लाइफ कुछ लोग आपकी एबिलिटी टू सक्सीड पर डाउट करें, आपके ऊपर डाउट करें कि नहीं तुम ये काम नहीं कर सकते, तुम्हें सक्सेस नहीं मिल सकती. तो ऐसे में मेंटेन अ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड. अगर आप कोई भी काम राइट मेंटल एटीट्यूड के साथ करते हो, आपको सफलता जरूर मिलेगी चाहे कितनी भी ऑब्स्टेकल्स आ जाए बीच में. और अगर आप कोई काम रॉन्ग मेंटल एटीट्यूड के साथ करोगे, चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो, कितनी भी हेल्प हो लोगों की, आप सफल नहीं हो सकते. तो कहने की बात यह है कि डेवलप अ राइट स्टेट ऑफ माइंड, यू विल बी द विनर. एट एनी एज, एट एनी स्टेज, यू कैन मेक अ डिफरेंस. अपनी बात को इन खूबसूरत लाइनों के साथ खत्म करती हूँ जो मेरी फेवरेट है, मुझे बहुत इंस्पायर करती है. मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाए, कुछ कर जाए. सूरज सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे. बाय बाय, मिलते हैं ब्रेक के बाद एक और उम्दा टॉपिक के साथ. तब तक कीप लाफिंग, कीप स्माइलिंग, कीप सिंगिंग. And take very good care of yourself. Love you all.